टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस इन दिनों खूब धमाल मचा रही हैं। एरिका फर्नांडिस ने अपने एक्टिंग के साथ साथ अपने स्टाइल से भी लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्हें लेकर हाल ही में खबर आई थी कि वो रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 12 में नजर आएंगी। हालांकि रोहित शेट्टी के शो के लिए एरिका फर्नांडिस का नाम कंफर्म नहीं हुआ था, वहीं अब ऐसा लग रहा है कि मेकर्स एरिका को खतरों से घिरा हुआ नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि किसी और रियलिटी शो में जगह देना चाहते हैं। बिग बॉस OTT2 की ताज़ा खबरों के मुताबिक खतरों के खिलाड़ी 12 में एरिका फर्नांडिस के शामिल होने को लेकर मेकर्स अभी भी कंफ्यूजन में हैं। लेकिन खतरों के खिलाड़ी 12 से अलग उनके झलक दिखला जाए 10 में आने की उम्मीद जताई जा रही है। एरिका फर्नांडिस से जुड़े सोर्सेस ने इस बारे में बात करते हुए कहा, एरिका के खतरों में खिलाड़ी 12 में जाने की बात अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है, क्योंकि चैनल उन्हें दूसरे रियलिटी शो झलक दिखला जाए 10 में देखना चाहता है। उन्हें इनमें से किसी एक रियलिटी शो में जरूर देखा जाएगा। आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी 12 और झलक दिखला जाए 10 में से किसी पर भी एरिका फर्नांडिस ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। साथ ही मेकर्स की ओर से भी एरिका फर्नांडिस पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ झलक दिखलाजा की बात करें तो शो का आखिरी सीजन यानी सीजन 9 2016 में आया था। इस सीजन को फराह खान, गणेश हेगड़े और जैकलिन फर्नांडिस ने जज किया था। 2016 के बाद से ही फैंस झलक दिखलाजा 10 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि अब खत्म होने वाला है। शो को लेकर ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसमें फराह खान के साथ साथ शाहरुख खान और काजोल भी एज जज नजर आ सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।